जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले, आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सो अब दोस्त देखिए, अपने पास क्या है, सेकेंड किंगडम है जो कि क्या है, प्रोटेस्टा। अब ये जो वर्ड प्रोटेस्टा है, ये कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड प्रोटेस्टास से लिया गया है, जिसका मतलब दोस्त क्या होता है, वेरी फर्स्ट। इसका मतलब दोस्त क्या हुआ कि ये जो प्रोटेस्टा है, ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन लैंड, है ना। अब दोस्त ये क्या है, प्रोटेस्टास आर सिंपल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर नाइदर प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी। ये न तो कम्प्लीटली प्लांट है, न एलिमेंट्स हैं, और न ही ये कम्प्लीटली फंगी है। ये क्या है, इन सबके बीच का इंटरलिंक्डनेस, इंटरलिंक्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं ये प्रोटिस्टा है। ना तो ये कंप्लीट प्लांट है, ना एनिमल, ना फंगी है ना। अब देखिए, मोस्ट प्रोटिस्टास लिव इन वाटर डैम टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट इवन एज पैरासाइट्स। वाटर में पाए जाते हैं, या फिर डैम एनवायरनमेंट में, या फिर ये पैरासाइट्स की तरह भी हमें सर्वाइव करते हुए दिख जाते हैं, है ना। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, मेनली पहले एग्जाम्पल देखिए, फिर करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल्स में प्रोटोजोआंस जितने भी हैं वो प्रोटिस्टास के अंदर हैं। डाई एटम्स, यूनिसेलुलर एरनीज सच एस क्लोरेला एंड क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब क्या है, ये प्रोटिस्टास के एग्जाम्पल हैं, है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि सारे प्रोटोजोआंस जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टास के अंदर आते हैं। अब अदर करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम इनकी बात करें, तो देखिए, मोस्ट प्रोटिस्टास स्पेसीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मेनली ये दोस्त कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल से इनकी बॉडी बनी हुई होती है ना। द सेल्स ऑफ दीज स्पीसीज हैव ए न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब देखिए, ये जो इनका न्यूक्लियस होता है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब ये दोस्त कैसे हैं, हमारे यूकेरियोट्स हैं, है ना। ये हमने ऊपर भी देखा कि ये सब हमारे क्या है, यूकेरियोट्स हैं। इनकी जो न्यूक्लियर है वो मेम्ब्रेन बाउंड से बंधा हुआ होता है, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड इनके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक इन नेचर, या तो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, या फिर ये दूसरे पर भी डिपेंड रह सकते हैं। सिम्बायोसिस इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास। सिम्बायोसिस बेसिकली क्या होती है दोस्त, जब दो कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलके आपस में वर्क करते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, है ना, तो वो दोस्त क्या कहलाती है, हमारी सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस भी इनके अंदर ऑब्जर्व होती है ना। और इसके अलावा पैरासिटिज्म, ये भी हमने देखा, पैरासिटिज्म क्या है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नेगेटिवली क्या है, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, जिससे उसका क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का लॉस हो, तो वो दोस्त पैरासिटिज्म होता है, तो वो भी इनके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। अब स्पीसीज सच एज ट्राइपैनोसोमा प्रोटोजोआ कैन कॉज स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन, यही पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे ह्यूमन्स को एक प्रोटोजोआ अफेक्ट करता है, जो कि क्या है, ट्राइपैनोसोमा प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्त, ह्यूमन के अंदर स्लीपिंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये दोस्त क्या है, पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है ना। इसके अलावा क्या है, प्रोटिस्ट एग्जिबिट लोकोमोशन थ्रू सिलिया एंड फ्लैजेला। अब देखिए दोस्त, हमने क्या जाना था, मोनेरास के अंदर जो मूवमेंट हो रहा था वो किसके थ्रू हो रहा था, फ्लैजेलम के थ्रू, और प्रोटिस्टास के अंदर जो लोकोमोशन हो रहा है वो मेनली किसके थ्रू हो रहा है, सिलिया एंड फ्लैजेला, है ना। फ्लैजेलम भी है इनके पास, कुछ के पास, या फिर मेनली इनके पास क्या होता है, सिलियाज होते हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटिस्टास के लोकोमोशन के लिए। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा है सूडोपोडिया, और इनके अंदर क्या है, सूडोपोडिया, जो कि फाल्स फीट जिसका मतलब होता है, वो भी प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपने फूड को डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में ही एनगल्फ कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइगोसाइटोसिस भी कहते हैं, है ना, फाइगोसाइटोसिस। तो वो भी ये रिप्रेजेंट करते हैं, है ना दोस्त। तो समझ में आए, सूडोपोडिया भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फाइगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। अब वहीं अब अगर हम इनके रिप्रोडक्शन के मोड की बात करें, तो वो मेनली किससे होता है, एसेक्सुअल मीन से। सेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन का जो है वो एक्सट्रीमली रेयर होता है, वो किसी किसी में ही प्रेजेंट होता है। मेनली किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल से, और एसेक्सुअल में भी दोस्त किससे, मेनली बाइनरी फिजन से, है ना। बाइनरी फिजन मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दो में डिवाइड हो जाता है, वो दो में, दो इक्वल पार्ट्स में अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर देता है, जिससे कि दो ऑर्गेनिज्म, दो न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है बाइनरी फिजन से ही, है ना, या फिर बडिंग से। सेक्सुअल मेथड जो है वो बहुत रेयरली ही इनमें पाया जाता है। तो ये दोस्त आपको समझ में आया, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा बेसिकली क्या है,
सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट न तो कंप्लीटली प्लांट है न ही एनिमल्स हैं। ये क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब प्रोटिस्टा के अंदर एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल आता है दोस्त, आपने पढ़ा होगा यूगलीना, है ना, यूगलीना दोस्त। तो वो क्या है हमारा, बेसिकली वो प्लांट और एनिमल का कॉम्बिनेशन है। वो न तो कंप्लीट प्लांट है न कंप्लीट एनिमल है। तो वो भी दोस्त हमारा किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टास के अंदर ही आता है। तो ये दोस्त याद रखिएगा, ये क्या है, यूनिसेलुलर है, यूकेरियोट्स ऑर्गेनिज्म है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है, ऑटोट्रॉफिक या फिर हेटरोट्रॉफिक इन नेचर, है ना, और सिम्बियोसिस या फिर पैरासिटिज्म भी इनके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये दोस्त प्रोटिस्टा है। अब मुझे लगता है यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा।